महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर कोई भूखा न सोए, सरकार इस मंशा से काम कर रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से सभी राहत सामग्री वितरित की जा रही है और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में आटा और जरूरी खाद्य सामान भी वितरित किया जा रहा है। वहीं खाद्य सुरक्षा के तहत अप्रैल से जून तक निःशुल्क राशन वितरित करवाया जा रहा है। विभाग की ओर से जनता को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए FCI से गेहूँ की खरीद भी की जा रही है ताकि वंचित रहे NFSA के पात्र लोगों को गेहूं उपलब्ध करवाया जा सके। तो चलिए, इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा जी, इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमेश जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदेश में, और हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं आपके विभाग की ओर से इस समय क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? हमारे विभाग की तरफ से राजस्थान में कोई भी व्यक्ति, चाहे पात्र है, अपात्र है, गरीब है, वो राजस्थान में भूखा नहीं सोएगा। ये हमारी मॉनिटरिंग है। और किराने की दुकान है उन पर महंगा या काला बाजारी या जमाखोरी वो भी होने नहीं दी जाएगी। और पूरी तरह से हमारा विभाग मुस्तैद है। अभी मई के महीने में हम भारत सरकार का प्लस राज्य सरकार का 10 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, ये अभी हम देने जा रहे हैं, निःशुल्क देंगे और जून के महीने में भी देंगे। इसी तरह उज्ज्वला योजना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जो इसमें रजिस्टर्ड है, इनलिस्टेड है, उनको भी गैस सिलेंडर की व्यवस्था ऑयल कंपनियां जैसे पैसा जमा करा देंगी वो देंगे। तो हमने, हमारी जो तैयारी है पूरे राजस्थान में कि सभी को खाद्यान्न मिले, और खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से यह कहना चाहता हूँ कि मेरी अपील है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, जागरूक रखें, स्वस्थ रहें, और कहीं ज्यादा सामान डिपॉजिट, राशन का डिपॉजिट नहीं करें। खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, कहीं किसी प्रकार की न दवाइयों की दिक्कत है। राज्य सरकार पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है। हर जिले में हमने जो बार ग्रुप बना रखे हैं वहां पर पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। पर डे खबर आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसी दिन उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है जी। और हम चाहते हैं कि पात्र व्यक्ति है वहां तक हमारा राशन पहुंचे। जो अपात्र व्यक्ति या जो कहते हैं जिसके पास राशन कार्ड है वो नहीं जुड़ पाया किसी स्कीम में, तो राज्य सरकार उसको पेंशन भी दे रही है, राशन की किट भी दे रही है जिसमें 5 किलो आटा होगा, आधा किलो नमक, आधा किलो तेल, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये सब सारा सामान उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचेगा जो मजदूरी से या बाहर से आया हुआ है या उसके पास कोई साधन नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी हैं, असहाय है, निःशक्तजन है, जो ड्राई राशन से खाना नहीं बना सकते, वहाँ भोजन के पैकेट्स भी पहुंचा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था हमने हर जिले में कलेक्टर को के माध्यम से तय किए हैं कि आप तय कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, और कोई मेडिकली जो कोरोना के अलावा भी कोई अन्य बीमारी हो तो उसको भी चिन्हित करें, उसको भी बताएं, उसका भी इलाज करवाएं। तो सभी चीजों का हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रवासी जो श्रमिक हैं वो प्रदेश में आ सकते हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जो कार्रवाई है वो शुरू भी कर दी है, कई राज्यों से संपर्क भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इतनी बड़ी तादाद में जो श्रमिक आएंगे, मजदूर आएंगे प्रदेश में, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है, खासतौर से खाने को लेकर? ये व्यवस्था सारी, सबसे पहले तो ये, हम उसके खाने की तो आप चिंता नहीं करें, राज्य सरकार के पास पूरी सभी तरह की मॉनिटरिंग है। पर जो राजस्थान के प्रवासी हैं, विभिन्न स्टेटों में हैं, उनकी स्थिति ज्यादा खराब है। वहां पर समय पर उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक अच्छी पहल की है जी। और इसमें थोड़ा सा वो रुचि लेंगे और इसको ढंग से देखेंगे कि कहाँ से कौन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए, और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। और राजस्थान के जो लोग हैं वो आना चाहते हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ आएंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हर जिले में जिला कलेक्टर्स को निर्देश, दिशा निर्देश दिए हैं कि वहां पर लोगों से संपर्क करके कौन किस जिले के हैं, कौन किस तहसील का है, ग्राम पंचायत का, उसी हिसाब से हम मॉनिटरिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो पहले से चेक
होके आएगा, उसके बावजूद भी हम स्क्रीनिंग सर्वे सारा मॉनिटरिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। पर हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के जो प्रवासी हैं, जो बाहर हैं, परेशान हैं, वो हमारे प्रदेश में आए। बिल्कुल। और रमेश जी, कहीं ये भी देखना आ रहा है कि कई इलाकों से कालाबाजारी की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही है, लोग इसका कहीं ना कहीं फायदा भी उठा रहे हैं, क्या उन लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? हमने सैकड़ों लोगों के खिलाफ कंपाउंड किया है जी, और जहां दुकानों को भी सीज किया है। तो जो भी हम जो एज पर नॉर्म्स नियम है, कानून है, उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। डे टू डे हम कार्रवाई करते हैं। कुछ जैसे हमारे राशन डीलरों ने किया या कहीं भी किया, तो हमने कोई 90 से ऊपर FIR दर्ज कराई है और करीब 288 के लगभग हमने राशन की दुकानों को निलंबित किया है। तो हम कार्रवाई पूरी तरह से कर रहे हैं, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे राशन डीलर हो, चाहे सैनिटाइजर, चाहे मास्क बेचने वाला MRP से अधिक चीज कीमत पर बेच रहा है, तो तुरंत हम कार्रवाई डे टू डे कर रहे हैं। इसमें पूरी मॉनिटरिंग हमारी। बिल्कुल। और लॉकडाउन के दौरान A1 TV के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से सबसे बड़ी अपील है कि लॉकडाउन नियमों का, कानून का पूरी तरह 100% अपन को नियमों का पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस बना के रखें, लोगों को सतर्क सजग रखें। कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसकी स्क्रीनिंग कराएं, मॉनिटरिंग करें और प्रशासन का पूरी तरह सहयोग करें, क्योंकि सरकार आपका सहयोग चाहती है। आपके सहयोग के बिना हम इस बीमारी को निजात नहीं पा सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जनता के सहयोग की ज्यादा आवश्यकता है हमें, तो उनसे यही अपील है कि ऐसी आपदा की घड़ी में, COVID-19 में, जनता पूरी तरह सहयोग करे, सरकार आपके साथ है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी। यहाँ पर तो खाद्य मंत्री रमेश मीणा जी यहाँ पर हमसे जुड़े हुए थे और यहाँ पर वे साफ तौर पर कह रहे थे कि प्रदेश में खाद्य की कोई कमी नहीं है और सरकार जुटी भी है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो गरीब तबका है, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उन सब के लिए वो काम कर रही है। उसके अलावा उन्होंने A1 TV से के माध्यम से यहाँ पर लोगों से अपील भी की है कि आप लॉकडाउन का पालन करें। सरकार चाहती है कि अगर लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा तो इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द दूर किया जा सकता है।